देश का बुद्धिजीवी समाज क्या चाहता है, अगर ये आपको जानना है तो रविश कुमार को सुनिए। और देश का युवा क्या चाहता है, अगर आपको ये जानना है तो JNU की ये स्टूडेंट को सुनिए। और देश के नागरिक क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस देश में फिरका परस्ती का जहर उगलने वाले वो लोग जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनसे मुक्ति चाहता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। ऊपर ये सारी पॉलिसी लाते रहे, उसी तरह मोदी जी भी अपना कैंपेन करते रहे और उसी दौर में 5 हवाई अड्डों को बेच दिया और ये हमारा एजुकेशन बेच रहा है। ऐसे दौर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो RSS BJP के लोग हैं, हमें जो नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट सिखा रहे हैं, हमें नेशनल बनने की बात बता रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हर एक घर में होता है, जो JNU आने का सपना देखता है, जो पढ़ने का सपना देखता है, एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है, उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तब मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तब मुमकिन है। शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि नौकरी पकौड़े तलना, आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है, तो हम नहीं मानते इसको नौकरी। नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए, ना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाए। गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लीजिए पूरे देश में, लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल एनिमी तब से किए जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटरनल एनिमी कोई है तो ये RSS के लोग हैं, और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से है ये लोग। जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए, तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है। ये लोग ही ब्रिटिशर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जीतेगा या फिर मृत्यु जीतेगा या सावरकर। जब माफीनामा दोगे तो सावरकर जीतेगा, माफीनामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा? सावरकर जीतेगा। अगर इनकी चलती तो ब्रिटिशर के गुलाम होते हम, अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती। और इसीलिए फिर से एक बार ये दौर आ गया है कि एक ऐसे लोग हैं जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से। हवाई अड्डे बेच दिया, लाल किला तक बेच दिया, लाल किला। और इसीलिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंह के जेनरेशन से, जो अंगस टाइप भी किया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, लेकिन अपनी लड़ाई चलाता रहा, ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सबको समानता होगी, सब शिक्षा ले सकता है, सब हेल्थ ले सकता है, और इस तरह के भारत की सपना हम देखते हैं। और इसीलिए आज हम जनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस मुद्दे को आगे लेके जाए और इनको बोले कि आप चाहते हैं एंटी नेशनल नेशनल का डिबेट करना, हम इन सारी चीजों पे डिबेट करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते कि हमारी नौकरी कहाँ है, आप बताइए, हमारा एजुकेशन कहाँ है, आपने कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितने नए यूनिवर्सिटीज खोले, ये सारी चीजें आप बताइए, वरना आपको ये देश का जनता उखाड़ फेंकेगा, ये हम उनको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ ये बोलते हुए यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम दहन करेंगे, उसको जलाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इस कैंपस में उस सोच को, और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को यहाँ से जो आग जलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इंश्योर करेंगे कि पूरे देश में ये बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है JNU में, कैसे एक तरफ आप EWS कर रहे हैं और कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्सक्लूजन कर रहे हैं, किस तरह से सीट नहीं आ रही है MPhil PhD में, लोगों को रिसर्च करने ही नहीं देना है, एक सेंटर एक्सक्लूजन का, उसमें ST का सीट नहीं है, इससे बड़ा एक्सक्लूजन क्या होगा? आप डेप्रिवेशन पॉइंट, जिसके लिए JNU जाना जाता है, वहां पे डेप्रिवेशन पॉइंट खत्म कर रहे हैं। BA लेटरल एंट्री, जिसमें BA फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में पूछते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो BA सेकेंड ईयर में देते हैं, उनको वो बंद कर रहे हैं।
और तब कर रहे हैं जब पूरा एसएल बोल रहा है कि हमें बीए लैटरल एंट्री का एग्जाम चाहिए। ऐसे दौर में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखाड़ फेंकना है।